खबरों में है दम। सबसे पहले हम रेवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सअप करिए 9685369684 पर। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर क्रांति बूरिया के आह्वान पर पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी, संविदा शिक्षक वर्ग 3 का पेपर लीक होने एवं पुलिस भर्ती पर हुए व्यापक घोटाले को लेकर केंद्र एवं मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों के विरोध पर युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष जैन के नेतृत्व में विधायक नारायण सिंह पट्टा, विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी की उपस्थिति में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस द्वारा जिला स्त्री विरोध प्रदर्शन का आयोजन जिला मुख्यालय में रखा गया, जिसमें जिले भर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय बैगा बैगी चौराहे पर एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर महोदया को कलेक्ट्रेट गेट के बाहर इंतजार कराते रहे। कलेक्ट्रेट महोदया के ज्ञापन लेने आने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करते हुए गेट के अंदर दाब पहुंचे। तब जाकर अपर कलेक्टर महोदया ने बाहर आकर ज्ञापन लिया। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। देखिए, भाजपा सरकार सोई हुई सरकार को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार पिछले 15 वर्षों से भी इनकी सरकार रही, वापम में इन लोग लगातार घोटाला करते हुए आए हैं। इस बार भी इनके घोटाले पकड़ाए हैं, जिसमें इनके गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री के OSD उनके मोबाइल में पेपर लीक हुए हैं। तो जहाँ तहाँ इन लोग व्यापम सिंह के मामले से घोटाले कर रहे हैं और निरंतर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, उसका असर जो है वो पूरे हमारे डेली यूज़ की जो वस्तुएं हैं उन पे प्रभावित हो रही हैं। तो इसी उसको लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार नहीं चेती तो आगे जाके हम उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, SDM का घेराव करेंगे, कमिश्नर मुख्यमंत्री तक का घेराव करने का कार्यक्रम यूथ कांग्रेस करेगी। सरकार हो गई है ये बुलडोजर वाली सरकार, जो इनके खिलाफ जाता है उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। आज व्यापम के घोटाले हुए हैं और भी घोटाले होते हैं, आज उन घोटालेबाज के ऊपर क्या सरकार बुलडोजर चलाएगी? क्या ये अपना नैतिकता निभाएगी कि जो अपराध कर रहा है, जो अपराधी हैं, जो उनकी पार्टी के अपराधी हैं? कुछ ही दिन पूर्व नरसिंहपुर में एक लड़के को घसीट के मारा गया और उसी के साथ साथ कांग्रेस के किसी लड़के के साथ उनके घर में बुलडोजर चला दिया गया, जो भाजपा के लोगों को संरक्षित कर रही है। और कांग्रेस के लोग अगर सिर उठा के अपनी बात करते हैं कि उनके मकानों को गिराने का काम ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।